हर खबर हर घर आई टुडे न्यूज पर स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। बरोज जुमा बतारीख 21 मई 2021 को कबल नमाज जुमा कुल हिंद तहरीक पयाम इंसानियत शाख इंडी की जानिब से एक मुस्तहिका संगीता संजुगोली को एक मकान बनाकर दिया गया, जिसकी इफ्तिताह इंडी शहर के DYSP श्रीधर गड्डी के दस्ते मुबारक से अमल आई। मकान की इफ्तिताह के बाद COVID-19 के पेश नज़र एक मुख्तसर और जामिया प्रोग्राम हजरत मौलाना मोहम्मद गौस साहब रशादी की सदारत में हुआ, जिसकी निजामत अब्दुल्ला सर ने मादरी जुबान कन्नड़ में की। हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब कासमी मोहतमी मदरसा बैतुल उलूम सिंदगी ने तहरीक पयाम इंसानियत के इगराज व मकासिद और उसके उसूल बताकर शहर इंडी व अतराफ में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को पेश किया। इनके बाद शहर इंडी के DYSP ने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा प्रोग्राम पहली मरतबा देख रहा हूँ, जहाँ एक मुसलमान तंजीम ने शहर के पसमानदा इलाके में पहुँच कर उनके हालात का जायज़ा लेकर एक हिंदू औरत को एक मकान बना कर दिया। ये काम तो हम गवर्नमेंट ऑफिसर का होता है, हुकूमत की जानिब से हमको बार बार बताया जाता है कि मुस्तहिक हजरात तक पहुँच कर उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। मुझे बड़ी खुशी है कि इस तहरीक के अफराद ने मुझे दावत दी। आइंदा ये हजरात जब भी मुझे बुलाएंगे मैं इनके प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करूँगा और मेरी जानिब से मुकम्मल तआवुन इनको रहेगा। इसके बाद इंडी शांतेश्वर कमेटी के सदर कासूगौड़ा बिरादार ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें मोहतरम ने बताया, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसी महफिल में शिरकत कर रहा हूँ जहाँ इंसानियत को सर फहरिस्त रखा गया है। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया बगैर हुकूमत के तआवुन, बगैर सियासी और ज़ाती मफाद के। इस तहरीक ने यह नुमाया काम अंजाम देकर दीगर तंजीमों की आँखें खोल दी हैं। आखिर में सदर मोहतरम मौलाना मोहम्मद गौस साहब कोतवाल रशादी ने तमाम आने वाले मेहमानों और मावनीन और उस तहरीक से जुड़े तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया और शुरका से अपील की कि आइंदा उनके कामों में और तमाम एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फिर गुरबा में दीगर अमायदी ने शहर के हाथों राशन किट तकसीम करके इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया गया।